नमस्कार, मैं पंकज सिंह और आप देख रहे हैं बोराई न्यूज। पूरे देश को लेकर आज दिमा महोत्सव कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रोटेस्ट धरना का आयोजन किया और ये धरना का 3 पॉइंट लेकर वो लोग ये धरना आयोजित किया। उनका पॉइंट है मसिव लोट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी डिसअपॉइंट इन SBI एंड LIC by Adani Group, silent acceptance by government against load by Adani Group, demand inquiry by appropriate agency against Adani Group। ये तीनों पॉइंट को लेकर आज पूरे देश में और दिमा महोत्सव में भी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्वारा एक धरना किया। केंद्रीय सरकार होशियार होशियार होशियार। अदानी का ऋण माफ करना बंद करो बंद करो बंद करो। अदानी का ऋण माफ करना बंद करो बंद करो बंद करो। अदानी का ऋण माफ करना बंद करो बंद करो बंद करो। पब्लिक का पैसा हेरा फेरी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। LIC का पैसा हेरा फेरी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। SBI का पैसा हेरा फेरी नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। केंद्रीय सरकार होशियार होशियार होशियार। केंद्रीय सरकार होशियार होशियार होशियार। केंद्रीय सरकार होशियार होशियार होशियार। केंद्रीय सरकार होशियार होशियार। केंद्रीय सरकार होशियार। अदानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अदानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अदानी का ऊपर इंक्वायरी करना जरूरी है जरूरी है जरूरी है। अदानी का ऊपर इंक्वायरी करना जरूरी है जरूरी है जरूरी है। पब्लिक का पैसा हेरा फेरी बंद करो बंद करो बंद करो। पब्लिक का पैसा हेरा फेरी बंद करो बंद करो बंद करो। पब्लिक का पैसे हेरा फेरी बंद करो बंद करो बंद करो। पब्लिक का पैसा हेरा फेरी बंद करो बंद करो बंद करो। LIC का पैसा सेव करो सेव करो सेव करो। LIC का पैसा सेव करो सेव करो सेव करो। SBI का पैसा सेव करो सेव करो सेव करो। SBI का पैसा सेव करो सेव करो सेव करो। आपने देखा, अभी आपको सुनाते दिमा महोत्सव कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट समरजीत थापलंगवार का क्या कहना है। तो आज पूरा भारत में कांग्रेस का तरफ से ये धरना प्रोग्राम रखा गया है, उसी तरह आज दिमा महोत्सव डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से आज धरना रखा। और हमारा मांग ये है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट इंडियन बैंक का अमेरिका बेस्ड रिपोर्ट जो है, गौतम अदानी का जो घोटाला जो फादिल किया है, उसको खिलाफ में सरकार का तरफ से आज तक कोई प्रतिक्रिया व कोई क्लारिफिकेशन नहीं है। इसलिए हम लोग सब मिलके ये सरकार को मांग रखा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला, सबसे भारत का इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला जो है, उसका खिलाफ में एक हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति है उनको पनिशमेंट होना चाहिए। क्योंकि जो गौतम अदानी, हमारा जो कांग्रेस का नेता राहुल गांधी जी हमेशा पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट का बाहर में भी बोलते आए हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, भारत सरकार का, BJP भारत सरकार का जो गौतम अदानी के ऊपर में इतना मेहरबानी क्यों है। आज उसका कारण से जो गौतम अदानी का जो कंपनी से ग्रुप है जो डूबने का कतार में है, तो आज जो पैसा भारत का जो साधारण नागरिक का तकलीफ का जो पैसा है, जिस जो उन्होंने LIC में रखा है, SBI में रखा है, पंजाब नेशनल बैंक में रखा है, अगर गौतम अदानी का ये जो फाइनेंशियल उनका जो ये है डूब जाता है तो ये पैसा भी डूब जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने क्या कदम रखा है अभी तक और क्या उसका एश्योरेंस क्या है पब्लिक को क्या होगा, क्योंकि जो जो पब्लिक का जो तकलीफ का पैसा है ये तो सारा डूबा जाएगा। इसलिए आज इसका खिलाफ में हमें इंक्वायरी करना चाहिए, क्योंकि आज जो जो ट्रेंड जो है भारत सरकार का जो बहुत हमेशा हम लोग बोल के आता है कि ये जो सरकार जो है नरेंद्र मोदी का, वो सिर्फ अमीरों का है, पूंजीपतियों का है, उद्योगपतियों के लिए है, जिन्होंने 2.5 लाख करोड़ उनका कर्जा माफ़ कर दिया है। और साथ साथ में आज जो पैसा जो है, साधारण नागरिक का जो पैसा है, सारा वो में डूबने जा रहा है।
तो आज अगर इसी हालत होता है तो आस्ते आस्ते करके सरकार यही मकसद जो काम कर रहा है कि जितना भी छोटा छोटा इंडस्ट्रीज है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, छोटा छोटा बिजनेसमैन लोगों को सब खत्म करके सिर्फ उन लोगों को ऊपर में जो पूंजीपति है, जो बड़ा बड़ा जो करोड़पति है, उनको सिर्फ सहाय किया है। आज उसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। हम लोग सरकार से यही मांग है कि ये किसी का बाप का देश नहीं है, सबका देश है। मोदी जी का कोई बाप का उसका घर का देश नहीं है, ये हम लोग सबका देश है। इसलिए आज जिस तरीके से आज भारत का जो इकोनॉमिक कंडीशन, जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से आदमी का जो रोजगार खत्म हो रहा है, ये बहुत भविष्य हम लोग के लिए खराब है। इसलिए हम लोग सब जितना भी अंधभक्त है, जितना भी यहाँ का नागरिक जो है, भारत का साधारण नागरिक जागृत होना चाहिए। और ये जो मकसद जो है नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का, बीजेपी लेड गवर्नमेंट का, जो हम लोग के बीच में धर्म का नाम से, जाति का नाम से भाग करके जो पूंजीपतियों का सहायता कर रहा है और सारा जो भारत का संपत्ति जो है वो संपत्ति लोग बेच रहा है उनको, तो आखिरकार भविष्य में क्या होगा? हम लोग का जॉब्स क्या होगा? अगर जॉब्स होगा तो सरकार का जो डिपार्टमेंट्स है, सबका सरकार का जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, उन लोग रहना चाहिए सरकार के अंदर में, पब्लिक में, पब्लिक सेक्टर्स का जो उन लोग पब्लिक में रहना चाहिए, और कोटेज जो स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो रहना चाहिए। लेकिन सारा बेच करके अडानी का बेच जाए, अगर अडानी डूब गया तो ये देश का हल क्या होगा? ये बहुत खतरनाक भविष्य हम लोग आ रहा है। इसलिए सबको जागरूक होना जरूरी है, सब निकलना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए। क्योंकि अभी LIC और जो अंडर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो LIC है, SBI है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके डूबने के कतार में है। तो इसको कैसे बचाएगा, कैसे करके हम लोग आगे बढ़ेगा भविष्य में, ये सोचने का हम लोग को समय आ गया है। हमें सब सारा नागरिक से, भारतवासियों से और अंधभक्त से भी मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जागिए, और ये जो सरकार जो मकसद है, जो खराब नीतियाँ जो ले रहा है, उसके खिलाफ में एक साथ आवाज उठा के हम लोग आगे बढ़िए, यही हमारा अपील है सबको। इसी तरह दिमाग को हर एक न्यूज़ को आप देखने के लिए देखते रहे बोराइल न्यूज़, और बोराइल न्यूज़ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।